Hey guys, welcome back to our channel Delhi Into Twins. We hope कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइज हम पैसा ड्रामे के एपिसोड 22 पर रिएक्शन दे रहे हैं, जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, इस वीडियो में उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे एपिसोड 22 देखते हैं कि आगे क्या स्टोरी चलती है। तो साथ में एपिसोड 22 एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पुरानी गाड़ी दिखाई है यार। अच्छा ये घर आ गए। घर बुलाया। वो भाई घर आ गए यार ये। ये और पागल हो जाएगी अब। घर देख के पागल हो गई होगी। बिल्कुल जैसे कोई महल हो और हम ऐसी गंदी सी टैक्सी में आ गए। मैं कहा था ना परिजात से कहना था गाड़ी भेज दे घर। मैं लेने के लिए घर के बाहर आती तो हम माजिद भाई से क्या कहते। तुमने तो कहा था बाजी कि माजिद भाई को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। तो चलो ठीक है, अब इधर धूप में खड़े खड़े बातें करेंगे, अंदर चलते हैं। बताओ यार महल ही है यार ये तो। वो शानदार बना हुआ है, अब ये पूरी दीवानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवल मैंने कहा था आने से पहले मुझे बता देती, मैं गाड़ी भिजवा देता। नहीं नहीं सर, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। अपनों में क्या तकल्लुफ की बात, बैठो। और नहीं आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। यार कितने प्यार से पूछ रहा है। आपने चक्कर नहीं लगाया फिर हमारी तरफ? हाँ वो मेरी मसरूफियत मुझे कहीं एक जगह टिकने ही नहीं देती, बस इसीलिए। मिर्जा साहब कैसे हैं? बीमार रहते हैं, आपका बहुत पूछ रहे थे। जानबूझ के बोल रही होगी। मैडम आप कितना शुक्र है। दो चम्मच? हाँ। मेरे लिए ना डालिएगा, मैं चाय नहीं पीऊंगी, शुक्रिया। तरीके से मना कर रहा है। सुनो तुम चाय नहीं पी रही तो तुम आते वक्त कह रही थी ना अपने सर का तुमने घर देखना है, फिर कभी पता नहीं कब मौका मिले। तुम शर्मा क्यों रही हो, अपने घर की बात है। ऐसी कोई बात नहीं, जाओ। बल्कि इनाबाजी कि कमल मैडम को घर तो दिखा दें जरा। यार जी भाई बहुत शाते रहे हैं। कितना झूठ बोला यार। देख नहीं पाता यार ये। नजरें उठा गया इसकी तरफ, वो सबसे बात कर लेगा। माजिद का काम कैसा चल रहा है? काम पे जाएं तो शायद चल भी ले, घर पे बैठे होते हैं हम। अच्छा, उसने मेरी फैक्ट्री में नौकरी से इनकार क्यों किया? पता नहीं, दरअसल वो बेटे का बहुत शौक था उन्हें। जब से बेटियां पैदा हुई तब से बस चिड़चिड़े से हो गए। तो ये भी कोई बात है। आपने उसे समझाने की कोशिश की? बहुत कोशिश की। आप ही ने तो कहा था
मोहब्बत एक बार मर्द की दस्तरस में आ जाए रफ्ता रफ्ता अपनी कदर खो देती है। ओए होए क्या बातें हो रही है। जरूरी नहीं कि ये फार्मूला हर मर्द पे अप्लाई हो। ठीक कह रहे हैं आप उन मर्दों में से नहीं भाई। ये तो ऐसी ऐसी बातें हो रही है। माजी में मैंने आपके साथ जो ज्यादती की मैं कमसिन थी नादान थी हालात के दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दे। लेकिन मैंने तो कभी शिकवा नहीं किया पर दाग छुपाए रखा। यही तो ने तो पलट के उफ तक नहीं किया। ये मार देगा ये। अगर आपकी आंखें खोल देती है देख नहीं रहा यार ये बंदा यार। आंखों की बोली आज तक कौन सुन पाया। प्लीज आप मुझे शर्मिंदा ना करो माफी मांग का। आप एहतराम है मेरे दिल में आपके लिए हमेशा रहेगा। भाई ऐसी बातें कितने बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो दूसरे के दिल में अपनी कदर और एहतराम सही वक्त पे नहीं पहचान पाते। बीती बातों को याद करने का क्या फायदा। हमें आखिरकार अपने माजी को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। जो बीत गया सो बीत गया। इसके लिए बहुत हुआ है ये मोमेंट। मैं भी अपने माजी को भुला के आगे बढ़ना चाहती हूँ। हरी साहब मैं आपसे राब्ता रख सकती हूँ। इसे तो पूछ लो यार। मतलब है कभी कभार इस तरह अपने दुख बांट सकती हूँ। मैं बहुत तन्हा हूँ। माजिद ने मेरी कदर नहीं की। सारी जिंदगी उसके नाम कर दी मैंने। बदले में क्या मिला? तन्हाई, नाकदरी। क्या मेरा हक नहीं कि इमोशनल ना हो बस। हमदर्द एक मेहरबान दोस्त हो। मैं तो अकेली रह गई। परीजाद सर का घर वाकई बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बाहर का एरिया तो बहुत सीन है। मुझे गाइड करने का और घर दिखाने का शुक्रिया। जानती हैं अगर ये सब आपने उस पुराने मोहल्ले वाले परीजाद को कहा होता तो शायद इसी वक्त यहीं पर खुशी से उसका दिल बंद हो जाता। आपने शायद कभी शादी मर्ग का नाम नहीं सुना। मरने की बात क्यों कर रहे हैं आप? खुश रहना तो जीने वालों का हक है। मैंने सारी जिंदगी एक नजर की तमन्ना में गुजारी है। एक नजर की तमन्ना में प्यार भरी नजर। क्या क्या नहीं किया मैंने उस नजर के तो मुझे मन इसकी न जाने इसकी नजर वाला है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में शायर बना मजदूरी की पैसा जमा किया सोने और चांदी के ढेर लगाए मगर वो नजर नजर नहीं हटी भूला नहीं। एक नजर मेरे हिस्से का मुकद्दर ना बन सकी। वे यार क्या बातें बोल रहा है ये। आप आज भी उस पुराने परिजात से मिलने नहीं आए। वे वे
ये कही है बात यार, सबको देख भी नहीं सकता था। देखिए मेरी नजरों में आज भी वही एहतराम है आपके लिए। सही जवाब। आंखों में आंखें डाल के मुझे बहुत धक्का है नाइद, ये आप नहीं समझ पाएंगी, बहुत जख्म दिए, बहुत छलनी हूं मैं अंदर से लोगों। जो जख्म मैंने दिए उनका मरहम मैं बन सकती हूँ। तभी आप ही तो थी मेरे हर दर्द का मदावा। यार बातें हैं यार, इसको बातों से ही मार देगा भाई। मगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए उससे, अगर आज मैं वही पुराने मोहल्ले वाला मुफलिस परिजाद होता जो घंटों दोपहर धूप में आपके घर के बाहर इंतजार करता था कि कहीं शाम में देर ना हो जाए, तो आप उसके जख्मों पर भी वही मरहम रखती हैं आज? ये कही ना बात यार, याद दिलाती है, एहसास करवा रहा है। पैसे वाला गिज आपका मजाक उड़ाना नहीं है, ना ही आपको कटेरे में डालना। इतना कमजोर नहीं हूं मैं। अगर सच ये है कि आज भी आपकी निगाह में वो नजर नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है भाई। अब किसी नौ नहीं, क्या बात कह दी यार। मैं जानता हूं आपके हालात ने आपको अंदर से तोड़ डाला, मगर हालात की खराबी किसी की मोहब्बत का बायस नहीं बन सकती। नहीं, मैं आपके किसी कमजोर लम्हे का फायदा उठाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। सही बात है। एक बात हमेशा याद रखना नाहिद, मेरे पास जो कुछ भी है उसकी वक़्त आपके एक आंसू से भी बढ़कर नहीं है। ओए होए यार, आपके नाम करता हूँ। क्या बोल दिया भाई, बहुत कीमती हो, बहुत सस्ता, सच्ची मोहब्बत। क्या कह दिया यार, वक़्त ना समझना। ये कह रही होगी क्या बोल रहा है भाई ये आज, उसने अपनी मोहब्बत का वो कर दिया। क्या कहते हैं, क्या बोल गया भाई परिजाद यार, बहुत सही यार। यार इसे कहते हैं कि जवाब देना, अपनी मोहब्बत याद दिला दी यार इसने। यार मैं इस तरीके से मोहब्बत करता था तुमसे, तुम्हारी एक नजर लेवल देख रहे हो तुम यार मोहब्बत का, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। बात कर रहा है यार वो बंदा, ये सब कुछ भी नहीं है, तुम्हारे एक आंसू से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपको कभी वो मत समझना, कम मत समझना, कम मत समझना। और एक चीज और, वो जो नजर की बात करी ना इन्होंने, एक नजर के पीछे, हाँ सही, पूरा लेक्चर दे दिया यार एक नजर के, मतलब एक होता है ना यार, एक होता है कि तुमने कदर नहीं करी। और ये बातों से समझ के कि यार ये इस टाइम पे मेरे मेरा पैसा देखकर आई है, तुम पुराने परिजन से मिलने नहीं आई। हाँ तो यार बहुत बड़ी बात है यार, पैसा कुछ भी करा सकता, कुछ भी करा सकता है। अब ये मिलना चाहती है, अपना दर्द बांटना चाहती है परिजन के साथ, कहती है रابطہ रखना चाहती हूँ तुमसे, रख सकती हूँ रابطہ, यूं कह रही थी, पूछ रही थी हाँ कि मैं तुमसे रابطہ रख सकती हूँ, लेकिन यार ऐसे तो सही नहीं। परिजाद ने सही मतलब समझाया इसको, हाँ। जो भी समझाया कि तुम्हारे हालात की मजबूरी का लेकर भी समझाया एक, हाँ। तरीके से कि माजिद का नाम नहीं लिया, बट यार तुम मतलब वो तुम्हारा हस्बैंड है तो उसको ऐसे करना गलत है, हालातों की वजह से तुम अब ये कर रही हो, हाँ। इसके कहने का मतलब वो था। तो यार
यार हालात चाहे जैसे भी हो तुम अपने पति के साथ रहो। एक से एक जवाब दिया यार, एक से यार क्या तरीके से जवाब दिया है। पहले नजर नहीं मिला रहा था, फिर नजर मिला के जो बातें करी है ना, करी है हाँ एंड में भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल है यार। और वो बात करनी जरूरी भी थी यार, कि एक टाइम पे मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि यार बाहर घंटों खड़ा रहता था, पता नहीं करा। पता नाहित को भी था कि यार वो पागल था मेरे पीछे। हाँ पागल था, पता उसको भी था। ऐसा भी नहीं है कि ये वन साइडेड ही है, मतलब वन साइडेड तो था क्योंकि मतलब वो होता है ना एक झलक, एक झलक उसके लिए पागल था ये यार। यार प्यार तो प्यार होता है यार, चाहे वन साइडेड हो। बट यार अपने मुंह से बोल रहा है यार एक झलक देखने के लिए मैं घंटों बाहर खड़ा रहता था, तो मोहब्बत समझ जाओ यार किस लेवल की मोहब्बत करता है यार तुमसे। बहुत ही बढ़िया यार, मजा आ गया, मजा ही आ गया यार। ये क्या था, ये क्या था यार, और यार क्या शूट करा है, स्क्रिप्ट मैं कह रहा हूँ क्या लिखी है, लिखी क्या, ये शायद इसकी बुक है, पता नहीं बुक है या क्या है, रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी होगी जो भी है। बट यार क्या बहुत बढ़िया है, मजा आ गया गाइस, हम काफी एंजॉय कर रहे हैं यार, काफी एंजॉय कर रहे हैं, काफी मजा आ रहा है यार। एपिसोड 22 में काफी मजा आया, एपिसोड 22 खत्म कर चुके हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 23 स्टार्ट करेंगे। तो गाइस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन भी दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।